भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर और सिंगर खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर वायरल एक बोर्ड को लेकर भड़क गए। इस बोर्ड पर यूपी, बिहार और झारखंड के छात्रों को रूम नहीं देने की बात लिखी है। दावा यह है कि ये बोर्ड रायपुर एनआईटी के पास किसी मकान मालिक ने लगाया हुआ है, जिसकी फ़ोटो खींचकर किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर जमकर बवाल छिड़ चुका है। इसी बोर्ड की फ़ोटो को खेसारी लाल यादव ने ट्वीट पर लेकर लिखा है कि काहे हो, मजदूर हमारा चाहिए, आईएएस हमारा चाहिए, जब छात्र की बात आए तो ऐसा सोच शर्मनाक है। बस इसी के बाद सोशल मीडिया में खलबली मच गई। हालांकि बता दें कि जिस बोर्ड की फ़ोटो खेसारी लाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, उस पर यूपी भी सही से नहीं लिखा है और इसकी पुष्टि हम नहीं करते। खेसारी के ट्वीट पर कमेंट करते हुए कई यूज़र्स लिख रहे हैं कि यह गलत है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, पर हमारे प्यारे भारत ने सबको फ्रीडम दी है बोलने की, लिखने की और जो वो चाहें वो करने की। खेसारी के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है। लोग अपने अपने ढंग से इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इन कमेंट्स के निशाने पर तीनों राज्यों की राजनीति भी आ चुकी है। वहीं अब कुछ यूजर्स इसे राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जाति धर्म के नाम पर ये चीज़ें चल रही हैं। वहीं नितेश यादव नाम के एक यूज़र ने लिखा कि बिहार सरकार को इस पर आपत्ति जताते हुए पीएम मोदी से शिकायत करनी चाहिए, उस मकान मालिक से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। कई कमेंट्स में और भी कई शब्दों के साथ प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। वहीं कुल मिलाकर खेसारी के इस ट्वीट ने इन तीनों राज्यों की ब्रांडिंग और सरकारी दावों को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल गर्मा कर रख दिया है। खेसारी के इस ट्वीट को देखने के बाद लोग लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। काफ़ी कम वक्त में इस तस्वीर पर काफ़ी सारे लाइक्स मिल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।